अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू विल बी फाइन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गेम शो ऐसा चलेगा सीजन 4 के सेकंड एलिमिनेटर राउंड में इनसे क्या मिस्टेक हुई है। अगर आप लोगों ने ये मिस्टेक नोट की है तो पहले ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप यूट्यूबर्स के फैंस हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूबर्स वापस आए और ये जो मिस्टेक हुई है यूट्यूबर्स के साथ वो दुरुस्त हो सके, सो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। टाइम बहुत कम है। ये जैसा कि हम जानते हैं कि आर्म रेसिंग में टिकटॉकर्स ने जीते थे पूरे 2 पॉइंट्स और 0 पॉइंट्स थे यूट्यूबर्स के, जबकि फ्लिप द बॉटल में टिकटॉकर्स के 1 और यूट्यूबर्स के भी 1 पॉइंट्स थे। बैलेंस द नील में यूट्यूबर्स ने 2 पॉइंट्स लिए थे। इसके अलावा चक्कर पे चक्कर में यूट्यूबर्स ने 1 और 1 पॉइंट टिकटॉकर्स ने लिए थे। हॉकी में 3 पॉइंट्स जो हैं टिकटॉकर्स के आए थे। बॉल ऑन पाइप में 2 पॉइंट्स टिकटॉकर्स और 0 पॉइंट यूट्यूबर्स के थे। डांस में टिकटॉकर्स के 1 और 1 ही पॉइंट यूट्यूबर्स के थे, जबकि क्रिकेट में यूट्यूबर्स के 0 और टिकटॉकर्स के 3 पॉइंट्स थे। पोटली सेगमेंट में 3 पॉइंट्स टिकटॉकर्स के थे, 0 यूट्यूबर्स के थे। फुटबॉल में 3 पॉइंट्स यूट्यूबर्स के थे, 0 पॉइंट टिकटॉकर्स के थे। डार्ट में 2 पॉइंट्स टिकटॉकर्स के थे और यूट्यूबर्स के 1 पॉइंट थे, जबकि टिक टैक टो में यूट्यूबर्स के 2 पॉइंट्स थे और टिकटॉकर्स के 0 थे। बोरी वाले बाबू में 1 पॉइंट ही यूट्यूबर्स और 1 पॉइंट ही टिकटॉकर्स के थे। रिंग ऑन चेयर में 1 पॉइंट यूट्यूबर्स और 1 पॉइंट टिकटॉकर्स के थे। बिलो द बैलून में 0 पॉइंट यूट्यूबर्स, 0 पॉइंट टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के 2 पॉइंट्स थे। कैरम में 1 पॉइंट यूट्यूबर्स और 1 पॉइंट टिकटॉकर्स के थे, जबकि सिंगिंग कॉम्पिटिशन में 3 पॉइंट्स पूरे यूट्यूबर्स के थे। एक्टिंग सेगमेंट में 3 पॉइंट्स पूरे टिकटॉकर्स के थे। फिट इन द बॉल में जो है 2 पॉइंट्स टिकटॉकर्स के थे और 0 पॉइंट यूट्यूबर्स के थे। टिप एंड गोल में 2 पॉइंट्स टिकटॉकर्स के थे और 1 पॉइंट यूट्यूबर्स के थे। ड्रॉप जोन में 2 पॉइंट्स टिकटॉकर्स के थे और 1 पॉइंट यूट्यूबर्स के थे, जबकि कैच द बॉल में यूट्यूबर्स के 2 पॉइंट्स थे और 0 पॉइंट टिकटॉकर्स के थे। इस तरह यूट्यूबर्स का टोटल 23 बना और टिकटॉकर्स का टोटल मार्क्स 30 बना, यानी 30। और इनसे ज़रा सी मिस्टेक हुई है गेम शो वालों से, उन्होंने यूट्यूबर्स के 23 ही और टिकटॉकर्स के 31 शो किए हैं, जबकि टिकटॉकर्स के 30 पॉइंट हैं, जिसकी वजह से ब्रीफकेस सेगमेंट नहीं हो पाया और इस तरह यूट्यूबर्स बाहर हो गई। इसलिए ब्रीफकेस सेगमेंट दोबारा कराया जाए पॉइंट्स को देखते हुए। सो, ये थी सबसे बड़ी गलती। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप यूट्यूबर्स के फॉलोअर्स हैं तो।